No, actually, you did not attend the class. I mean, I did not conduct the class yesterday. So, what did you do in that period of time? Study which homework you can giving me, and then I eat my dinner and sleep in my room. Okay. So you studied little bit, I think, huh? Okay. So now, is it my screen is visible to you? Yes, sir. Just wait. Now it is visible to you now. Okay. So here. Yesterday means in the last class we studied about the formula chart. So first let's revise it. I told you कि English के दो parts होते हैं, एक तो action एक्शन and no action. Action क्या है, जो जिसमें जो work है, नहीं कर रहे, नहीं any work is called जो action. वर्क होते हैं उसको कहते हैं एक्शन, सर और जो काम नहीं है, जो work नहीं है, वो उसको no कहते action. हैं नो एक्शन। ठीक है. इसके बाद हमारा मेन फॉर्मूला है सी फील एंड स्पीक. यस सर, देखिए, महसूस करिए, बोल दीजिए. हमें इतने ग्रामर की जरूरत नहीं है कि हम बैठ के उसको ग्रामर और व्याकरण पढ़ें. ठीक है, क्योंकि व्याकरण तो हिंदी में भी है. पर क्या बच्चा या कोई व्यक्ति क्या हिंदी का ग्रामर पहले पढ़ता है बोलने से पहले? वो तो बोलना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो हमें बोलना स्टार्ट कर देना है. अब दूसरी बात हमारे पास था फार्मूला. मैंने बताया था कि एक्शन को बोलने, एक्शन वाले जितने भी सेंटेंस हैं उनको बोलने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एक तो उसमें डूअर होना चाहिए. डूअर मतलब काम करने वाला. ऐसे गाड़ी चलाना क्या होता है? ड्राइव. तो गाड़ी चलाने वाला क्या हो गया? नितिन कहाँ गए? वेयर हैव यू गॉन? हाँ, आई एम आस्किंग टू यू. जैसे सपोज करो कि गाड़ी चलाना क्या होता है, चार पहिया वाहन चलाना क्या होता है? ड्राइव। ड्राइव. ठीक है, तो उसमें अगर आपने ER लगा दिया तो क्या बन गया? ड्राइवर। ड्राइवर. गाड़ी चला लेना ड्राइवर. ठीक है, वैसे ही करना, काम करना क्या होता है? डू. तो इसमें ER लग गया तो क्या बन गया? डूअर. ठीक है, डूअर कहाँ से आया? अगर आपके ये दिमाग में था कि डूअर क्यों कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि डू का मतलब होता है काम करना और काम करने वाले को डूअर हम बोलते हैं. ठीक है, ऐसे गाड़ी चलाना होता है ड्राइव. तो उसमें हमने ER लगा दिया तो क्या बन गया? गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर. ड्राइवर ऐसे काम करना होता है डू. तो डू में अगर हम काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं तो ER बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? डूअर. कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाला होगा, चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, चाहे सीओ। वो इट हो, ठीक है, फिर या आई हो, या वी हो, या यू हो, और या फिर दे हो, ये सब क्या है? डूअर है. ठीक है, अब ये अलग अलग प्रकार, हमें इसमें ग्रामर समझने की जरूरत इतनी जरूरत नहीं है कि हम इसको इसको नाउन क्या है, प्रोनाउन इसमें कौन सा है, फलाना क्या, ढिमकाना क्या. वी डोंट नीड दैट थिंग, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दैट डूअर. अब ये डूअर अपने टाइप, अपने हिसाब से चेंज होते रहेंगे. ठीक है, कहाँ पे किसको लगाना है, कैसे शब्द हैं, उस हिसाब से. वह आए तो हम ही लगाते हैं, अगर लड़की या लेडी है या वोमेन है तो शी लगाते हैं, कोई निर्जीव चीज है तो इट लगाते हैं. कभी कभी हम जंगलों और पक्षियों के लिए भी उसका यूज कर लेते हैं कि वो जिंदा है. पर इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे. आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे. तो अपने सेंटेंस के हिसाब से हमें डूअर को ऐड करना है. तो एक्शन वाले जितने भी सेंटेंस है उसको बोलने के लिए सबसे पहले तो डूअर होना चाहिए. जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो जा रहा है, वो खा रहा है, तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, ये डूअर है. मैं, तुम, वह, ये कौन है? डूअर. तो सबसे पहले तो उनको रखना है. अब यहाँ पे जो भी होंगे डूअर हो जाएंगे. इसके बाद समय बताने वाले शब्दों का होना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि अगला आदमी कौन से समय की बात कर रहा है. अभी की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है कि जो है चाहता है कुछ, वांट चाहता है, कुछ इच्छाएं हैं उसकी, क्या उसको पसंद होने की बात कर रहा है, घृणा है क्या, मतलब बहुत सारी बातें हैं. तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब तक टाइम वर्ड नहीं होगा. इसके बाद लास्ट में आता है एक्शन. अब एक्शन का मतलब उसके फॉर्म से है कि अगर हम एक्शन का सही फॉर्म्स नहीं लगाएंगे तो हमारा इंग्लिश
का सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि डू के साथ अगर हमें फर्स्ट फॉर्म बताया गया है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, क्योंकि दिस इज नॉट अवर लैंग्वेज, दिस इज द इंग्लिश पीपल्स लैंग्वेज, दे मेड ऑल दीज काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमें इफ एंड बट इसमें ना यूज करके हमें इतना समझना है, हम कि इतना सवाल पूछने से अच्छा है कि हमें जो रूल मिल रहा है हम उससे फॉलो करें और बोलते जाएं आसानी से। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है लैंग्वेज को, ठीक है, हमें बोलना सीखना है और जल्दी बोलना सीखना है, तो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके बाद ये तो पॉजिटिव आंसर हो गया, हमेशा पॉजिटिव नहीं बोलते हैं हम, ठीक है, हम चीज़ों को कभी कभी निगेटिव बोलते हैं, मतलब ना में भी आंसर देते हैं। अब ना में अगर हम आंसर दे रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम उसके लिए ये रूल अपनाते हैं। जैसे लिखा हुआ सबसे पहले सब कुछ वही रहे कि जैसे मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं यानी कोई एक इंसान आया, मैं यानी डूअर आ गया, तो पहले डूअर टाइम वर्ड वही होगा जिस समय में बात कर रहे हैं, उसके साथ हम नॉट का यूज कर लेंगे और उसके बाद जो भी एक्शन होगा उस फॉर्म में उसको हम रख देंगे। और बातें यही नहीं खत्म होती हैं, क्योंकि ये दो बातें यानी पॉजिटिव नेगेटिव बातें तभी होंगी जब हम कोई पूछेगा मुझसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने के लिए टाइम वर्ड को हम सबसे पहले ले आते हैं, डूअर उसके बाद आता है और एक्शन फिर आता है नेक्स्ट सबसे लास्ट में। तो ये तीन फार्मूला याद करना था आपको आज का असाइनमेंट जो था, मैं आपसे सुनूंगा इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ। और इसके बाद हमने सीखा था फार्मूला चार्ट के बारे में। फार्मूला चार्ट आप देखेंगे इसमें समय, टाइम वर्ड और एक्शन, इन तीन पार्ट्स में मैंने एक एक छोटा सा टेबल बनवाया था आपको कि इसमें से आपको याद करना है टाइम का मतलब क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है नितिन आर यू लिसनिंग टू मी,